दोस्तों, गुजरात की ग्रोथ स्टोरी इंडिया के लिए शाइनिंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के रूप में एक मिसाल है। हिस्टोरिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन में गुजरात के लोथल और ढोलावेरा पोर्ट्स को यूज कर ओवरसीज ट्रेड किया जाता था। वहीं ब्रिटिशर्स के शासन में गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट ने कराची और बॉम्बे को फाइनेंशियल हब बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। जहां एक तरफ गुजरात इंडिया का सिर्फ 6% लैंडमास और 5% पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करता है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात इंडिया के GDP में 7.6% और एक्सपोर्ट्स में 22% कंट्रीब्यूट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किन फैक्टर्स के कारण गुजरात ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ अचीव किया है। क्या ज्योग्राफी, एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, हिस्टोरिकली सरप्लस ट्रेड या सिंपली गुड गवर्नेंस इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं गुजरात के इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी को। इसी के साथ हम देखेंगे इस ग्रोथ मॉडल के क्या शॉर्टफॉल्स हैं, जिसे एड्रेस कर गुजरात अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, गुजरात की ग्रोथ को जानने से पहले आइए हम पहले इस रीजन के ज्योग्राफी पर एक नज़र डालते हैं, जिसने इस रीजन को डेवलप करने में सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड किया है। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाने वाला ये स्टेट 3 रीजन्स में ब्रॉडली डिवाइडेड किया जा सकता है। पहला है नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो रन ऑफ कच्छ द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। 23,300 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले इस मार्शी रीजन के साउथ में पाया जाता है गल्फ ऑफ कच्छ, जो एक मेजर ट्रेडिंग हब है। रन ऑफ कच्छ के साउथ ईस्ट में है काठियावाड़ पेनिनसुला, जो एक एरिड रीजन है। पेरेनियल रिवर्स के एब्सेंस के कारण सॉयल क्वालिटी यहाँ पुअर है। फाइनली काठियावाड़ पेनिनसुला के ईस्ट में पाया जाता है गुजरात का सबसे फर्टाइल रीजन गल्फ ऑफ खंबार। इस रीजन में नर्मदा और तापी जैसे रिवर्स फ्लो करते हैं, जो सॉयल को फर्टाइल बनाते हैं। वहीं डक्कन प्लेटू की प्रॉक्सिमिटी में होने के कारण ये रीजन ब्लैक सॉइल से भरपूर है, जो कॉटन के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने गुजरात में फ्लरिश किया। गुजरात में इंडिया का ब्रॉडेस्ट कोस्टलाइन पाया जाता है, जो अराउंड 1600 किलोमीटर एक्सटेंड करता है। अरेबियन सी की प्रॉक्सिमिटी होने के कारण हिस्टोरिकली ये रीजन एक ट्रेडिंग हब के रूप में इमर्ज हुआ। इंडस्ट्रियलिस्ट को दो बड़े एडवांटेज गुजरात के द्वारा मिले, ग्लोबल एक्सेस और लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इंडिया का ऑलमोस्ट 25% सी कार्गो गुजरात के पोर्ट से पास होता है। यहाँ कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जैसे मुंद्रा, कांडला, मांडवी, पोरबंदर, वेरावल, भावनगर, ओखा और नवलखी सिचुएटेड हैं। अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया के बिजिएस्ट नेशनल हाईवे NH8 गुजरात से ही पास होता है। NH8 दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करते हुए कई सिटीज जैसे गुड़गांव, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, नदियाद, आनंद और खेड़ा से पास होता है। गुजरात में पोर्ट्स को स्टेट हाईवे द्वारा NH8 से कनेक्ट किया गया है, जिससे ट्रेडर्स मुंबई के ओवरक्राउडेड पोर्ट्स को बाईपास कर ईजली गुड्स अन्य राज्य में पहुंचा सकते हैं। गुजरात एक क्रिटिकल जंक्शन के रूप में नदन स्टेट्स को वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। वहीं राजस्थान, जो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, पोर्ट ना होने के कारण गुजरात के सी पोर्ट्स पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। इस प्रकार गुजरात के जियोग्राफिकल एडवांटेज ने उसे सदियों से एक इकोनॉमिक हब के रूप में देखा है। आइए अब हम डिटेल में गुजरात के इकोनॉमिक हिस्ट्री को जानते हैं। दोस्तों, हिस्टोरिकली गुजरात इंडस वैली सिविलाइजेशन का केंद्र बिंदु रहा है। फर्टाइल प्लेन्स होने के कारण यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन हुआ करता था। ग्रेजुअली इस सरप्लस प्रोडक्शन के कारण मार्केट स्टैब्लिश किए गए। लोगों ने लोथल, ढोलावेरा और गोलाधोरो जैसी सिटीज में माइग्रेट करना शुरू किया। इसी के साथ सिटीज ने गुजराती ट्रेडर्स के मदद से ओवरसीज ट्रेड करना शुरू किया। इंडिया का सबसे पहला पोर्ट लोथल में बनाया गया, जो गल्फ ऑफ खंबात पर लोकेटेड है। लोथल इमर्जिंग मार्केट प्लेस के रूप में विविध श्रेणी या गिल्ड्स को सपोर्ट करता था, जहां बीड मेकिंग, जेमस्टोन्स, मेटलर्जी जैसी एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हरप्पन टाइम से ही गुजराती कम्युनिटी ने बिजनेस करना सीख लिया था, जो उनके बिहेवियर में आज भी रिफ्लेक्ट होता है। इसके बाद मौर्यन और गुप्ता पीरियड में भारूच और खंबात एंशियंट पोर्ट सिटीज के रूप में इमर्ज हुए। गुजरात के 2000 साल की मैरीटाइम हिस्ट्री को ग्रीक बुक द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेरियन सी में डॉक्यूमेंट किया गया है। दोस्तों, अगर हम मिडिवल इंडिया की बात करें तो 11th सेंचुरी गुजरात का सौराष्ट्र रीजन सबसे प्रॉस्परस माना जाता था। ये रीजन न केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर मैरीटाइम ट्रेड के लिए भी फेमस था। इस रीजन में सोमनाथा या वेरावल गुजरात का एक मेजर ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था, जहां से गुड्स अरेबियन पेनिनसुला, पर्शियन गल्फ भेजा जाता था। बढ़ते प्रॉस्पेरिटी के कारण अरब ट्रेडर्स ने यहां सेटल करना शुरू किया।
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने डोनेशंस पिलग्रिम टैक्स को यूज कर सोमनाथ टेम्पल इस्टेब्लिश किया, जो उस वक्त का रिचेस्ट टेम्पल माना जाता था। इस तरह सोमनाथ ओवरऑल एक वेल्दी सिटी बन गया, जिसके कारण फॉरेन इन्वेडर्स ने अटैक करना शुरू किया। गजनी के सुल्तान महमूद ने सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर कर 20 बिलियन दिनार्स लूटा। ये सभी इवेंट्स गुजरात के वेल्दी पास्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां सक्सेसिव रेजिम्स गुजरात पर अपना होल्ड बनाकर रीजन के वेल्दी ट्रेड और मार्केट्स को कंट्रोल करना चाहते थे। मुगल एम्परर अकबर ने 16th century में सूरत पोर्ट डेवलप किया। सूरत अपने सिल्क और डायमंड एक्सपोर्ट्स के लिए फेमस था, और इसलिए सूरत को बाबल मक्का यानी गेट ऑफ मक्का का टाइटल दिया गया। मुगल पीरियड में सूरत सबसे प्रोमिनेंट पोर्ट बन गया था। अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो इंडिया में यूरोपियंस जैसे पोर्टुगीज और ब्रिटिशर्स ने गोल्ड, सिल्वर और स्पाइसेस के प्रॉफिटेबल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए गुजरात में सेटल करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने 1614 में सूरत में अपना पहला ट्रेडिंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। 17th century के फ्रेंच एक्सप्लोरर फ्रांसोइस पिराड ने गुजरातीज की लर्निंग एबिलिटी की तारीफ करते हुए कहा कि गुजरातीज हमेशा पोर्टुगीज से नई स्किल्स सीखते गए और अपना इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ाते गए। फॉरवर्ड लुकिंग ओपन माइंडेड बिजनेस स्किल्स का मेंशन कई ग्रीक, रोमन और अरब विजिटर्स द्वारा भी किया गया है। ये क्वालिटीज आज हमें गुजरातीज के बिहेवियर में दिखाई देती हैं, जो उनके इकोनॉमिक सक्सेस में रिफ्लेक्ट होता है। 17th century में शांतिदास जवेरी ने मॉडेस्ट बैकग्राउंड से प्रीशियस स्टोन ट्रेड द्वारा इमेंस फॉर्च्यून कलेक्ट किया। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब ने रॉयल फरमान देकर उन्हें कई फेवर्स दिए, जो उनके स्टेटस को दर्शाता है। वहीं उनके कंटेम्प्रेरी वीरजी वोरा आइवरी, स्पाइसेस, प्रीशियस मेटल्स का ट्रेड करते थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स के अनुसार कई इंग्लिश ट्रेडर्स अपना इंडियन ऑपरेशन चलाने के लिए वीरजी से लोन्स लिया करते थे। बॉम्बे और कराची जैसी सिटीज को भी डेवलप करने में गुजराती बिजनेसमैन का अहम योगदान रहा है। इस प्रकार वाइब्रेंट मर्चेंट्स ने गुजरात की बिजनेस हिस्ट्री को समझने में हमारी हेल्प करी है। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप का हॉलमार्क होता है कि बदलती सिचुएशन के साथ हमें क्रिएटिव रिस्पांस देना चाहिए। इसी स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करते हुए गुजराती बिजनेसमैन ने लेस प्रॉफिटेबल ट्रेडिशनल कॉटन इंडस्ट्री से डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। रिलायंस, निर्मा, कैडिला, अडानी जैसी गुजराती इंडस्ट्रीज ने इसी डीप रूटेड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करते हुए आज अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड किया है। वहीं अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1960s में गुजरात बॉम्बे स्टेट से अलग हुआ। उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस कर स्टेडी ग्रोथ हासिल किया। रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात ने 2001 से 2013 के बीच डबल डिजिट ग्रोथ अचीव किया, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। इस ड्यूरेशन में कई प्रो बिजनेस मेजर्स लिए गए। गुजरात स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2004 के तहत इंडस्ट्रीज को लैंड टैक्स इंसेंटिव्स, लेबर और इन्वायरमेंटल लॉज रिलैक्सेशंस दिए गए। इसी का फायदा उठाकर टाटा मोटर्स ने सनंद में अपना नैनो प्लांट स्टैब्लिश किया। इन्हें फॉलो करते हुए फोर्ड इंडिया ने यहां पर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस स्टैब्लिश किया। इसी प्रकार तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदुर और अगादाम बेल्ट के बाद, जो कंट्री का 40% ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन करता है, सनंद को ऑटोमोबाइल हब के रूप में प्रमोट किया गया। आज गुजरात न केवल ऑटोमोबाइल हब पर टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और डायमंड इंडस्ट्री जैसे विविध क्षेत्रों में भी ग्रो कर रहा है। इंडिया को 25% टेक्सटाइल प्रोडक्शन, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डेनिम प्रोड्यूसर होने के कारण गुजरात को डेनिम सिटी या मैनचेस्टर सिटी ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मैसिव पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन के कारण गुजरात को पेट्रोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर डायमंड इंडस्ट्री की बात करें तो 72% ऑफ वर्ल्ड्स डायमंड प्रोसेसिंग, 80% ऑफ इंडियाज डायमंड एक्सपोर्ट अकेले गुजरात से होता है। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर ने 2000 के बाद 10% से ज़्यादा कॉन्स्टेंट ग्रोथ अचीव किया है। कमिटी ऑन एग्रीकल्चरल कोस्ट एंड प्राइसेस के फॉर्मर चेयरमैन अशोक गुलाटी ने इस सक्सेस को एग्रीकल्चर टर्न अराउंड मॉडल डिक्लेयर किया। स्टेट गवर्नमेंट ने चीपर रॉ मटेरियल, इरिगेशन फैसिलिटीज, 24-hour इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मार्केट लिंकेजेस, वेयरहाउस फैसिलिटी जैसे बेसिक चीज़ों पर काम कर एग्रीकल्चर बेस मजबूत किया। राइस, व्हीट, जोवर, बाजरा, मेज के अलावा कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, ग्राउंडनट, टोबैको, क्यूमिन एक्सेट्रा पर भी फोकस किया गया। गुजरात इंडिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोसेसिंग स्टेट है। यहाँ पर एशिया का बिगेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल पाया जाता है, जिसने इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन या मिल्क रिवॉल्यूशन लाने में एक अहम योगदान दिया था। फाइनली, यदि किसी इकोनॉमी को प्रॉस्पर करना है तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। 2001 में गुजरात के पावर डेफिसिट स्टेट हुआ करता था,
लेकिन 2012 के बाद गुजरात पावर सरप्लस बन गया। अब नेबरिंग स्टेट्स को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी के अलावा रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स द्वारा ऑल वेदर कनेक्टिविटी इंश्योर किया गया। दोस्तों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरात से ही पास होता है, जिससे एड ज्वाइनिंग एरियाज ग्रो करने लगे। इसी प्रकार गुजरात ने एक ही डिकेट में डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करके देश को एक नया डेवलपमेंट पाथ दिखाया। हालांकि 2013 के बाद इकॉनमी ने डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाना शुरू किया है और कई शॉर्टफॉल्स देखने को मिले हैं। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो ड्रॉट्स और वाटर क्राइसिस ने एग्री ग्रोथ को 7-8% से 3.7% पर लाया है। इसी के अलावा हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पुअर क्रॉप इंश्योरेंस, डिक्लाइनिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और लोअर एग्रीकल्चर वेजेस ने एग्रीकल्चर ग्रोथ अनसस्टेनेबल बना दिया है। यदि हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो गुजरात ने बिजनेस फ्रेंडली मेजर्स लेते हुए उन्हें कई टैक्स इंसेंटिव्स दिए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि गुजरात इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट इंडेटेड स्टेट बन गया है। इसका सीधा इम्पैक्ट सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में हुआ। एजुकेशन सेक्टर में गुजरात 2% से कम बजट अलॉट करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 45% वर्कर्स यहाँ इलिटरेट हैं। हायर एजुकेशन की पुअर क्वालिटी होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सिर्फ 0.8% बजट अलॉट किया गया है, जो 4-6% नॉर्मल से काफी कम है। 45% चिल्ड्रन अंडर नरिश्ड है और 40% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे आती है। दोस्तों, अगर हम वर्कफोर्स की बात करें तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले गुजरात में लोवेस्ट वेज रेट दिया जाता है। रिसेंट में चल रहे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, एजुटेशन, लैक ऑफ गुड एम्प्लॉयमेंट का ही एक नतीजा है। गुजरात में 40-45% हाउसहोल्ड्स डायरेक्टली अपना लाइवलीहुड नेचुरल रिसोर्सेज से डिराइव करते हैं, जैसे फार्मिंग, फिशरी, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। रिसोर्सेज डिप्लीशन, हैवी पॉल्यूशन ने प्रोडक्टिविटी और इनकम को रिड्यूस किया है। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ट्राइबल्स पर हुआ है, जो कम्प्लीटली फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंडेंट है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रो बिजनेस इन्वायरमेंट और फिजिकल इंसेंटिव्स देकर गुजरात ने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव किया। जहां बड़े स्टेट्स वॉलेटाइल ग्रोथ दिखा रहे थे, वहीं गुजरात ने अपना बिजनेस जीन को यूज कर कॉन्स्टेंट हाई ग्रोथ अचीव किया। इकोनॉमिक सेंस में जहां ये मॉडल स्टेट है, वहीं सोशल सेक्टर में मिडिल स्टेट है। रेशनल बजट स्पेंडिंग द्वारा गुजरात इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव कर सकता है और अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सकता है। दोस्तों, इस मुद्दे में आपका क्या ओपिनियन है? गुजरात के जो सोशल सेक्टर नीचे जा रहे हैं, उनको ऊपर लाने के लिए गुजरात क्या कर सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।